गुजरात के वडोदरा में टाई वडोदरा द्वारा स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर को मौका देने के लिए टाइकॉम इवेंट का आयोजन किया जा रहा है। स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स को मार्केट में जगह बनाने के लिए कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो दिक्कतें हैं ब्रांडिंग, नेटवर्किंग, फंडिंग। ऐसी ही दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए टाई वडोदरा लेकर आ रहा है टाइकॉन। ये इवेंट 4 और 5 अक्टूबर को वडोदरा में होने जा रहा है और इस इवेंट में कई सारे एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर इसमें कई सारे इवेंट्स किए जाएंगे। इसमें टॉक शोज हैं, एक्सपर्ट टॉक हैं और इसके बारे में जानने के लिए चलिए हम बात करते हैं जो यहाँ पे इवेंट करने जा रहे हैं उनसे। सर, वडोदरा में टाइकॉन होने जा रहा है, इसमें एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनको कैसे मौका मिलेगा? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। ये सारा जो टाइकॉन होने जा रहा है वो एंटरप्रेन्योर्स के लिए ही है। तो हमारा एक ये ध्येय है, हमारा एक ये पर्पस है कि जो ये पूरा इवेंट होने जा रहा है, हम उसे इवेंट की और तरह नहीं देखते हैं। हम इसे देखते हैं एक मौका, एक लॉन्च पैड, जिस वजह से जिससे सारे एंटरप्रेन्योर्स एक प्लेटफॉर्म मिले इनको अपने आइडियाज दिखाने का, डेमो करने का। हम लोग इसमें स्टार्टअप्स के लिए अवार्ड्स भी रख रहे हैं, जो जैसे आखिरी बार किया था, लास्ट टाइम हमने किया था स्टार्टअप अवार्ड, जिसमें वडोदरा, गुजरात, गुजरात के बाहर पूरे इंडिया से भी नॉमिनेशन हमने इन्वाइट किए थे। तो ये एक ऐसा फोरम है जहाँ पर इनको रिकग्निशन भी मिलेगा, इनको अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रीज भी आएंगी। जो सारी यूजर इंडस्ट्रीज हैं वो खुद चाहते हैं कि भाई एक इनोवेटिव चीजों पे काम करें, या उनके कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो इंटरनली खुद फेस कर रहे हैं, तो उनको उनका एक सलूशन चाहिए जो स्टार्टअप्स दे सकते हैं उन्हें, उन्हें पता है। लेकिन ये कहाँ जाए, किससे मिले, और स्टार्टअप्स को पता है कि हमारे पास कुछ अच्छे सॉल्यूशंस हैं लेकिन इनके पास मार्केट नहीं है। तो हमारा ये एक ध्येय है कि इससे उनको एक ये भी प्लेटफॉर्म मिले कि जहां इंडस्ट्रीज आए, जहां स्टार्टअप्स भी साथ आए और दोनों मिलकर बात करें और एक अपॉर्चुनिटीज दोनों के लिए क्रिएट हो, जिनको सॉल्यूशन देना है, जिनको सॉल्यूशन लेना है, दोनों के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो। हमने ये स्टार्टअप वीमेन के बारे में भी पहले बात की थी, लेकिन ये बार जो स्टार्टअप वीमेन, टाटाई वीमेन का जो इनिशिएटिव है हमारा, और भी बड़ा हुआ है लास्ट टाइम से ज्यादा। इस बार हमें 68 करीब एंट्रीज मिली हुई हैं, ऑल वंडरफुल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। मैं बता नहीं सकता कितना जोश है इन लोगों में, और अगर हम कुछ कर पाए कि उनको कुछ सपोर्ट मिले, मेंटरिंग मिले, उनको ये एक मौका मिले जिससे वो उनको पता चले कि उनके सोल्यूशन की क्या वैल्यू है, वो क्या कर सकते हैं, क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी चीज होगी। और हम ये टाई वीमेन का एक जो हमारा इनिशिएटिव है उसमें 2 जीरो राउंड्स होंगे, जहां फर्स्ट जीरो राउंड में कुछ 8 से 10 फिल्टर करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे, और आखिरी सेकेंड जीरो राउंड जो है उसमें 3 विनर्स होंगे जो हम टाइकॉन के दिन पे उनका रिकग्निशन करेंगे उनको। फिर उसमें से एक जो विनर है, 1 विनर ऑफ दैट विल एक्चुअली गो टू टाई ग्लोबल कॉम्पिटिशन, जो इस बार बैंगलोर में होने जा रहा है, टाई ग्लोबल समिट इन बैंगलोर। ग्लोबली होता है, हर साल अलग अलग जगहों पे होता है, ये साल इंडिया में बैंगलोर में है दिसंबर में। तो हम टाई वडोदरा भी वहां जाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, और हमारी जो टाई वीमेन एंटरप्रेन्योर विनर है वो भी वहां पार्टिसिपेट करेंगी और ग्लोबल पिच करेंगी। तो ये हमें लग रहा है कि टाइकॉन की वजह से सारे जो इनिशिएटिव्स वडोदरा में जो चाहिए या हो भी रहे हैं, अलग अलग कोने में, ठिकानों में हो रहे हैं, लेकिन एक जगह सारे ही मिलकर कैसे लेकर आए, सारे साइलोस को कैसे हम इकट्ठा करें। तो हमारा ये एक हमारा एक पर्पज है, हमारे लिए एक हमने अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी है सारे एंटरप्रेनर्स के लिए कि वो इकट्ठा हो सके। सबसे पहले मुझे ये कहना है कि टाइकॉन जो अभी 4th-5th अक्टूबर को होगा, 4th को सिर्फ और सिर्फ हमारे चार्टर मेंबर और उनके लिए होता है, एंड दैट इज ऑल्सो इवनिंग विद द नेटवर्किंग। 5th को फुल डेज आवर प्रोग्राम होने वाले हैं, उनमें बहुत सारे अच्छे अच्छे स्पीकर्स, अच्छे अच्छे फंड हाउसेस जितने भी है वो सबको इनवाइट किया है। और लास्ट टाइकॉन जो हमारा हुआ जिसमें 900 प्रेजेंट थी, 30 से ज़्यादा फंड हाउसेस थे, और इतने सारे 286 जितने स्टार्टअप आए थे, तो ये सब की सक्सेस की वजह से हमें एक तो ग्लोबली
हमारा पूरा 2 साल का रिकॉर्ड के हिसाब से सी कैटेगरी में बेस्ट चैप्टर ग्लोबली हमें मिला। ये बड़ौदा की शान है, बड़ौदा को अर्पित है। तो इसी तरह ये टाइकॉन में अभी लास्ट टाइम के हमारे पहले टाइकॉन के बाद बहुत सारे हमें वो देखना है कि बेसिकली हम रिजल्ट ओरिएंटेड क्या कर सके कि बड़ौदा का ये टाई, आई एम ए फाउंडर डायरेक्टर, तो बड़ौदा टाई वो एक नाम ऐसा कर देगा। आज वीमेन्स में बड़ौदा में 68 वीमेन्स एज एंटरप्रेन्योर्स बाहर आई है कि जो कंपटीशन में रेड, लास्ट टाइम हमारे में ओनली 28 थी, उसमें से भी एक को हमने ग्लोबल में कंपटीशन में भेजा था। तो हमें कॉन्फिडेंस है कि ये बार भी जरूर जाएगी। और लास्ट टाइम हम जीत नहीं पाए थे, 2 नंबर से रह गए थे, बट ये टाइम हमें कॉन्फिडेंस है कि हमारे यहाँ की वीमेन वो भी अवार्ड लेके आ जाएगी।